हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। आप में से काफ़ी लोगों का पता होगा कि आज वन ऑफ द चेस लीजेंड गैरी कास्परोव का बर्थडे है। आज के दिन उन्होंने जो है 58 इयर्स कंप्लीट किए हैं। सो हैप्पी बर्थडे टू गैरी कास्परोव। और आज के इस वीडियो में हम गैरी कास्परोव की तीन क्विक किल्स देखने वाले हैं, फास्टेस्ट विन अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स। सो ऐसे तीन गेम जो है मैंने सिलेक्ट की है। बट गेम्स दिखाने से पहले एक छोटी सी बात जो है मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मेरा जो है फेवरेट प्लेयर है कैपाब्लांका। बट एक टाइम था जब मेरे फेवरेट प्लेयर जो है वो गैरी कास्परोव रहा करते थे, जब मैंने जस्ट जो है चेस खेलना शुरू किया था। मैं भी जो है उस टाइम पे अटैकिंग गेम ज़्यादा पसंद करता था। बट टाइम के साथ जो है आप सीखते जाते हो एंड आपको जैसे एक्सपीरियंस होता है आप चेस को समझते हो। बाद में जो है टाइम के साथ मेरा जो है फेवरेट प्लेयर कैपाब्लांका बन गए। एक टाइम था जब कपबोर्ड पे जो है मेरे कपबोर्ड पे गैरी कास्परोव का एक फ़ोटो लगा हुआ करता था। मैं जो है उनकी तरह बनना चाहता था। बट एनीवेज वो जो है टोटली डिफरेंट स्टोरी है। सो आइए देखते हैं गैरी कास्परोव की ये जो है तीन गेम्स, जिसमें पहली गेम है जो कि उन्होंने 1987 में खेली थी अगेंस्ट जन टीमन, जहाँ पर गैरी कास्परोव के वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत d4 से की एंड नाउ e6 g3 एंड नाउ c5 नाइट टू f3 c कैप्चर्स ऑन d4 एंड नाउ बिशप टू g2 एंड e5। सो e5 का पॉइंट ये है कि आपने जो है d4 पोन सेव किया, नाइट कैप्चर्स e5 पॉसिबल नहीं, अदरवाइज क्वीन टू f5 चेक में नाइट जा रही है। सो यहाँ पर गैरी कास्परोव ने कैसल कर दिया एंड नाउ d6 c3 और ऑफकोर्स आपको कैप्चर करना पड़ेगा, अदरवाइज सिंपली पोन कैप्चर c3 आ रहा है, सॉरी पोन कैप्चर्स d4 आ रहा था। सो पोन टेक्स ऑन c3, नाइट टेक्स ऑन c3, नाइट टू f6 एंड नाउ बिशप टू g5 नाइट को पिन किया। सो पॉइंट क्या है बिशप g5 का, देखिए हम जो है d5 अलाउ नहीं करने देना चाहते। पहले शायद e4 आएगा एंड देन जो है अगर d5 आ गया तो वहाँ पे बाद में बिशप जो है वो भी आराम से अच्छी जगह पे निकल पाएगा। सो हमने फिलहाल के लिए d5 स्क्वायर को जो है वो बंसा कर दिया, क्योंकि d5 में सिंपली जो है उधर एक तो e5 आएंगे और अगर आप पहले e4 खेलते हो, नाइट मूव करते हैं देन d5 की कुछ ट्राई करते हो, देन बिशप कैप्चर्स और बाद में जो है d5 स्क्वायर वहाँ पे वीक है, नाइट एंड क्वीन जो है दोनों अटैक कर रहे हैं। बिशप टू e7 गेम में खेला गया एंड नाउ नाइट टू d2 और ये नाइट जो है सिंपली c4 पे जा रही है, जहाँ से हम जो है d6 पे प्रेशर बना सकते हैं। d6 पोन जो है वीक है क्योंकि वो ओपन फाइल पे है। यहाँ पे नाइट b2 d7 ब्लैक ने खेला एंड नाउ नाइट टू c4, सो नाइट टेक्स ऑन d6 की थ्रेट है। क्वीन टू c7 खेला गया, जबकि उधर कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि इस पोजीशन में h6 बेटर है, क्योंकि h6 के बाद अगर आप बिशप कैप्चर्स खेलते हो देन नाइट कैप्चर्स और क्वीन जो है वहाँ पे सपोर्ट कर रही है, और अगर आप जो है वहाँ पे सिंपली बिशप को मूव करते हो देन नाइट पे जो है कुछ ज़्यादा प्रेशर नहीं रहेगा और बाद में आराम से दूसरी नाइट जो है मूव हो सकती है एंड d6 को जो है सेव किया जा सकता है। बट नाइट टू c4 के बाद ब्लैक ने खेला क्वीन टू c7 एंड नाउ अब b3, क्योंकि नाइट पे अटैक था और इस पोजीशन में नाइट b5 जो है वो थ्रेट है और से आप उसको जो है a6 करके मीट करते हो, मतलब नाइट b5 अलाउ नहीं करने देना चाहते। बट देन नाइट टू d5 जो है दोस्तों काफ़ी डेंजरस है, दिखने में ऐसा लग रहा है कि पीस जा रहा है, बट आफ्टर नाइट कैप्चर्स ऑन d5, क्वीन कैप्चर्स ऑन d5 से आप जो है g5 पे कैप्चर करते हो। बट देन नाइट कैप्चर्स ऑन d6 और यहाँ पे देखिए अगर f8 पे गए तो सिंपली मेट हो रही है, और अगर आप e7 पे जाते हो देन क्वीन कैप्चर्स ऑन f7 एंड आफ्टर किंग कैप्चर्स ऑन d6 रुक का चेक आएगा, देन वहाँ पे जो है बाद में नेक्स्ट चेक में सिंपली क्वीन जा सकती है। ऑफकोर्स वो बिशप से कैप्चर कर सकते हैं लेकिन दूसरा रुक का भी चेक आएगा और वहाँ पे जो है डेफिनेटली क्वीन चली जाएगी और सिंपली वहाँ पे जो है वाइट कम्प्लीटली विनिंग है। सो गेम में क्या हुआ कि b3 के बाद खेला गया h6, बिशप पे अटैक है, बट नाउ नाइट टू b5, क्वीन पे अटैक है पहले एंड आफ्टर क्वीन c5 सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन d6 चेक। सो यहाँ पे अगर बिशप कैप्चर्स आता है देन सिंपली उधर जो है दूसरी नाइट से हम कैप्चर कर सकते हैं। किंग f8 गेम में खेला गया एंड नाउ बिशप टू e3, क्वीन पे अटैक है, क्वीन टू c7 एंड नाउ रुक टू c1। सो देखिए वाइट के पीसेस जो है सिंपली गेम में सारे के सारे पीसेस जो है अटैक में एंटर हो चुके हैं, ब्लैक का किंग जो है मिडल में है, सब जो है गेम जस्ट फिनिश होने की ही बात है। और इस पोजीशन में ब्लैक ने काफ़ी बड़ी गलती कर दी, उन्होंने खेला नाइट टू g4। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि ये क्यों इतनी बड़ी मिस्टेक है। रेडी दोस्तों, बड़ी मिस्टेक इसलिए है क्योंकि आपने जो है d5 स्क्वायर छोड़ दिया। सो सिंपली क्वीन टू d5 एंड चेकमेट की थ्रेट है और यहाँ पे जो है आपको काफ़ी कुछ देना पड़ेगा, उसके बाद मेट सेव हो सकती है। सो इस पोजीशन में एक्चुअली जॉन टीमन ने रेजिग्नेशन दे दिया। क्या हो सकता है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बिशप कैप्चर्स d6, नाइट कैप्चर्स ऑन d6 एंड नाउ नाइट टू b6,
क्योंकि क्वीन पर भी अटैक था और क्वीन मूव करते हो तो वहाँ पे F7 भी जा रहा है, राइट, वहाँ पे सीधी मेटी लगी हुई है। सो नाइट बेसिक्स आइडिया है कि हमारी भी क्वीन पे अटैक करे, बट देन रुक कैप्चर C7, नाइट कैप्चर्स D5, बिशप कैप्चर्स ऑन D5, या फिर आप जो है पहले सिंपली उधर रुक कैप्चर्स F7 खेल सकते हो, एंड आफ्टर किंग टू G8 अब जो है बिशप कैप्चर्स ऑन D5 खेल सकते हैं। सो ये पोजीशन जो है वो वाइट के लिए कम्प्लीटली विनिंग थी, इसीलिए गैरी कास्परो ने जब क्वीन टू D5 खेला इस पर्टिकुलर पोजीशन में नाइट G4 के बाद, यहाँ पे जॉन टिमन ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो अब आइए चलते हैं नेक्स्ट गेम की ओर, जो कि गैरी कास्परो ने खेली थी जॉन नन के सामने 1986। सो देखिए दोस्तों, उनके सामने जो प्लेयर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्लेयर है, ऐसा नहीं है कोई जो है अमेच्योर प्लेयर के सामने उन्होंने इस तरह से इतनी जल्दी विन कर दी, राइट। सो शुरू करते हैं गेम, जहाँ पर गैरी कास्परो के वाइट पीसेस थे और उन्होंने शुरुआत की D4 से, एंड नाउ नाइट F6, C4, G6, नाइट टू F3, बिशप टू G7, एंड नाउ G3, C6, बिशप टू G2, D5, C takes on D5, और ये काफ़ी सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, पीस की पोजीशन भी इवन जो है वो सेम है, और इस तरह की पोजीशन में कई बार, मैं नहीं बोल रहा कि इस गेम में, बट कई बार जो है फर्स्ट मूव का एडवांटेज होता है वो काफ़ी बड़ा हो जाता है। और यहाँ पे नाइट टू C3 गैरी कास्परो ने खेला, एंड नाउ शॉर्ट कैसल, नाइट टू E5 नाइट को सेंट्रलाइज किया, E6 कैसलिंग शॉट, एंड अब जॉन नन ने जो है नाइट F2 D7 खेल के वाइट की सेंट्रलाइज नाइट को चैलेंज किया, एंड गैरी कास्परो ने खेला F4, नाइट को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया उधर, एंड आफ्टर नाइट कैप्चर्स ऑन E5, F कैप्चर्स ऑन E5, सो पर्पस काफ़ी साफ है, यहाँ पे F5 जो है वो ओपन हुई है, एंड नाउ नाइट टू C6, E4, एंड आफ्टर D कैप्चर्स ऑन E4, पहले जो है वो उधर बिशप टू E3, क्योंकि क्वीन कैप्चर्स ऑन D4 में जो है सिंपली उधर एक पोन मिल रहा था, एंड नाउ F5 ब्लैक ने खेला। सो उनका आइडिया ये है कि इन पासन होता है तो उधर आगे चल के जो है D4 पर प्रेशर बनाया जा सके, और अगर हम कुछ नहीं करते हैं देन जो है अब रुक F5 पे कुछ इतना काम का नहीं है। सो गैरी कास्परो ने यहाँ पे इन पासन कैप्चर किया, एंड आफ्टर रुक कैप्चर्स ऑन F6, नाइट कैप्चर्स ऑन E4, रुक कैप्चर्स ऑन F1, क्वीन कैप्चर्स ऑन F1, इस पोजीशन में D4 पोन को कैप्चर करना है। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि किस पर्टिकुलर पीस से जो है D4 पोन को कैप्चर करना चाहिए, बिशप से या नाइट से। रेडी दोस्तों, यहाँ पे जो है काफ़ी ज़रूरी था कि आपको बिशप से कैप्चर करना चाहिए, जिस पोजीशन में बिशप कैप्चर्स के बाद नाइट कैप्चर्स, एंड देन रुक टू ओके D1 खेला जा सकता है, एंड नाइट को पिन किया जा सकता है, बट अब E5 आ जाएगा, एंड क्वीन टू C4 चेक के बाद सिंपली उधर जो है बिशप E6 पॉसिबल है। सो यहाँ पे कुछ जो है मिल नहीं रहा है, बट क्वीन कैप्चर्स ऑन F1 के बाद गेम में खेला गया नाइट कैप्चर्स ऑन D4, और ये जो है थोड़ी मिस्टेक है, क्योंकि इसमें जो है फिलहाल के लिए बिशप यहाँ पे ही है, सो आगे चल के नाइट G5 को सपोर्ट कर सकता है, जबकि पिछले वेरिएशन में हमने देखा कि अगर बिशप कैप्चर्स D4 आता है तो हम नाइट G5 जैसा कुछ खेल नहीं सकते, क्योंकि वो पिन ही रहेगा ये वाला बिशप जो है ना। सो इवन बिशप भी अंडर अटैक था, सो बिशप कैप्चर E3 एंड देन नाइट जा रही थी। सो इसलिए इस पर्टिकुलर पोजीशन में ये डिफरेंस है, जब आपने पहले जो है नाइट कैप्चर्स ऑन D4 खेला, और यहाँ पर गैरी कास्परो ने कोई मौका नहीं गया हुआ है, उन्होंने खेला रुक टू D1, नाइट को पिन किया है। सो से इस पोजीशन में आप A6 जैसा कुछ खेलते हो, थ्रेट किया है वो दिखाने के लिए, बट देन क्वीन टू C4, और यहाँ पे अब जो है इस नाइट पे एक और अटैक है, एंड से आप जो है B5 खेलते हो, देन रुक कैप्चर्स ऑन D4 जो है वो जस्ट विनिंग है, क्योंकि बिशप कैप्चर्स D4, क्वीन कैप्चर्स एंड बिशप टेक्स के बाद यहाँ पे हमारे पास 3 पीस है, सामने जो है 2 पीस है, अफकोर्स रुक है, बट रुक अभी जो है फिलहाल के लिए गेम में भी आ नहीं सकता। दूसरी ओर दो बिशप जो है यहाँ पे काफ़ी पावरफुल है, फिलहाल के लिए थ्रेट है सिंपली नाइट टू F6 की, राइट। सो ये पोजीशन जो है वाइट के लिए विनिंग है, बट रुक टू D1 के बाद गेम में खेला गया E5, एंड नाउ नाइट टू G5, और इस पोजीशन में जॉन नन ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए क्यों यहाँ पे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया। रेडी दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप जो है क्वीन C4, या तो जो है अगर क्वीन मूव होती है देन बिशप टू D5 नाइट F7 जैसी मूव्स को जो है स्टॉप ही नहीं कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसी पोजीशन में आप खेलते हो लाइक H6, तो क्या हो सकता है, क्वीन टू C4 चेक, एंड आफ्टर किंग H8 जस्ट नाइट F7 चेक में जो है क्वीन जा रही है, राइट। सो से आप जो है नाइट G5 के बाद इस पोजीशन में खेलते हो क्वीन E7, क्वीन को जो है फाइल लाइन में से हटा देते हो, बट देन बिशप टू D5 चेक, एंड आफ्टर किंग H8 सिंपली जो है नाइट टू F7 चेक, किंग G8, हम यहाँ पे खेल सकते हैं बिशप कैप्चर्स ऑन D4,
पर्पज़ ये है कि रुक की लाइन ओपन करना है एंड आफ्टर पॉन कैप्चर्स ऑन डी4 पहले नाइट g5 चेक, किंग है चेक और अब देखिए रुक टू e1। सो क्वीन को जो है कुछ ऐसी जगह पे मूव होना पड़ेगा जहाँ से वो e8 स्क्वायर को भी कवर कर पाए और साथ साथ जो है अपने आप को बचा भी पाए, क्योंकि से आप जो है d8 पे जाते हो, नाइट f7 में जा रहे हो, राइट, क्वीन d6 खेलते हो, उधर भी जो है नाइट f7 चेक में आपकी क्वीन चली जाएगी। से आप ट्राई करते हो क्वीन f8, बट देन उस केस में नाइट टू f7 चेक, किंग g8 एंड देन नाइट d6 जो है विनिंग है, क्योंकि चेक है, जैसे ही किंग h8 जाता है रुक टू e8 आ रहा है। सो से किंग h8 एंड रुक टू e1 के बाद आप यहाँ पर ट्राई करते हो क्वीन d7, बट देन ओके नाइट f7 चेक, किंग g8 और यहाँ पे अगर हम नाइट e5 मूव करते हैं देन क्वीन कैप्चर्स d5 आ रहा है। सो पहले जो है क्वीन टू जस्ट c4 और अब देखिए यहाँ पे जो है नाइट टू d6 चेक मिनिमम में जो है क्वीन जा रही है। सो गेम जो है वो जस्ट ख़त्म हो चुकी है। इसे आप कुछ ट्राई करते हो लाइक किंग f8 मूव करने की, लेकिन उस केस में जो है क्वीन टू c5 चेक जो है वहाँ पर विन है। सो इसलिए दोस्तों जब गैरी कास्परो ने e5 के बाद नाइट टू g5 इस पर्टिकुलर पोजिशन में खेला, यहाँ पर जॉनन ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो अब देखते हैं नेक्स्ट गेम जो कि उन्होंने खेली थी 1978 में मार्क ताइमोनोव के सामने, जहाँ पे गैरी कास्परोव के वाइट पीसेस थे और उन्होंने गेम की शुरुआत की नाइट टू f3 से एंड नाउ d5, g3, नाइट टू f6, बिशप टू g2, बिशप टू f5, c4। सो पर्पज़ ये है कि इस बिशप को जो है लाइफ देनी है, प्लस हम जो है ब्लैक के सेंटर पर अटैक भी कर रहे हैं साइड पोन से। एंड नाउ e6, क्वीन टू b3। सो जब भी इस तरह की नाइट f3 यानी कि रेटी ओपनिंग या फिर जो है d4 क्वींस ओपनिंग क्वींस पोन ओपनिंग में आप अपना लाइट स्क्वायर बिशप पहले निकालते हो, तब तुरंत ही जो है b7 स्क्वायर पे वाइट यूजुअली अटैक करता है, क्योंकि वाइट c4 तो खेलता ही है नॉर्मल इस तरह की पोजिशन में, एंड देन क्वीन b3 करके जो है b7 को टारगेट कर सकता है। और ये जो है डबल एज है, कई बार क्या होता है कि आप क्वीन कैप्चर b7 खेलते हो तो आपकी क्वीन जो है फंसने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। यहाँ पे नाइट टू a6 खेला गया एंड नाउ क्वीन टू b5 चेक पहले एंड आफ्टर c6 अब जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन b7 खेला गया। और यहाँ पे कंप्यूटर सजेस्ट कर रहा है कि नाइट टू c5 जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव है, जिसमें वाइट को अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि से आप जो है क्वीन कैप्चर्स ऑन c6 खेलते हो देन नाइट f2 d7 और यहाँ पे कुछ भी जो है गड़बड़ करते हो देन आपकी क्वीन जो है ट्रैप होने के चांस है। फॉर एग्जांपल क्वीन b5 देन a6 और बाद में देखिए आपकी क्वीन जो है वो चली जाएगी सिंपली उधर, क्योंकि वापस क्वीन c6 जाते हो देन रुक टू c8 और उल्टा ब्लैक विन हो जाएगा। बट गेम में क्या हुआ कि क्वीन कैप्चर b7 के बाद खेला गया नाइट टू b4। सो बिशप और नाइट दोनों मिलकर जो है c2 पे ध्यान दे रहे हैं। सो उनका आइडिया नाइट c2 एंड रुक को विन करना है। गैरी कास्परोव ने यहाँ पे खेला नाइट e5 विथ एन आइडिया क्वीन कैप्चर्स ऑन f7 चेकमेट। उसे इस पोजीशन में आप बिशप टू e7 खेलते हो देन क्या होगा, देन नाइट कैप्चर्स ऑन c6 दोनों पे अटैक है। सो नाइट कैप्चर्स एंड आफ्टर क्वीन कैप्चर्स ऑन c6 यहाँ पर वाइट की पोजीशन डेफिनेटली अच्छी है। एंड से जो है नाइट e5 के बाद आप ट्राई करते हो लाइक नाइट c2 चेक एंड रुक को विन करने की, बट देन किंग d1 एंड आफ्टर नाइट कैप्चर्स ऑन a1 सिंपली वहाँ पर जो है मेट हो रही है, राइट। सो ओके नाइट e5 के बाद गेम में खेला गया नाइट टू d7 एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन d7। पॉइंट यह है कि क्वीन कैप्चर्स d1 में क्वीन कैप्चर्स रुक आ रहा है। यहाँ पे अब आया नाइट टू c2 चेक, किंग d1 एंड नाउ नाइट कैप्चर्स ऑन a1 और इस पोजीशन में वापस नाइट e5 एंड जो है हम चेकमेट की थ्रेट दे सकते हैं जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। बट गेम में गैरी कास्परोव ने खेला e4 एंड आफ्टर पॉन कैप्चर्स ऑन e4 अब उन्होंने जो है नाइट टू e5 खेला। सो बेसिक आइडिया शायद ये है कि वहाँ पे ये पोन्स जो है वो सारे वीक हो चुके हैं और इस बिशप को जो है काफ़ी बड़ी लाइफ मिली है, क्योंकि अब देखिए चेकमेट की थ्रेट है तो वहाँ पे आप जो है बिशप टू g6 खेलोगे, हम उसको मार के बाद में जो है बिशप कैप्चर्स e4 खेल सकते हैं। बिशप e7 में प्रॉब्लम ये है कि सिंपली नाइट कैप्चर्स ऑन c6 आ रहा है जो कि विनिंग है। सो बिशप टू g6 गेम में खेला गया, बट आफ्टर नाइट कैप्चर्स ऑन g6, एच टेक्स ऑन g6, बिशप कैप्चर्स ऑन e4, इस पोजीशन में मार्क ताइमोनोव ने रेजिग्नेशन दे दिया। रीज़न ये है कि बिशप कैप्चर्स ऑन c6 जो है अनस्टॉपेबल है और वहाँ पे जो है आपको एक्शन तो देना ही पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आप जो है रुक c8 खेलते हो उधर, राइट, देन हम खेल सकते हैं सिंपली उधर बिशप कैप्चर्स ऑन c6 एंड आफ्टर रुक टेक्स एंड क्वीन कैप्चर्स ऑन c6। अगर हम ध्यान से देखें तो शायद क्वीन भी जो है एक्सचेंज हो जाएगी और बाद में नाइट तो निकल नहीं रही है। सो एक पीस जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ जाएगा। सो इसीलिए एच कैप्चर्स ऑन g6 के बाद जब बिशप कैप्चर्स ऑन e4 गैरी कास्परोव ने खेला,
इस पोजीशन में मार्क ताइमर ने रेजिग्नेशन दे दिया। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको गैरी कास्परोव की ये तीनों के तीनों गेम, जिसमें उन्होंने जो है काफ़ी जल्दी अपने ओपोनेंट को बीट कर दिया। जैसे कि ये गेम है जो कि 14 मूव्स में ही फिनिश हो गई, फिर जॉन नन वाली जो गेम है ये गेम 18 मूव्स में फिनिश हो गई, एंड जेन टीमन वाली जो गेम है वो 16 मूव्स में ही फिनिश हो गई। सो आई होप दोस्तों मेरा वीडियो और ये गेम्स जो है दोनों ही आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। पसंद आया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक दीजिए और अपनी कॉमेंट देना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।